अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मी शेख आसफ ट्यूटर मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल एस ए मैथ वाइब्स। आज डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में लेंथ ऑफ अ प्लेन कर्व। लेंथ ऑफ प्लेन कर्व को आर्क लेंथ के नाम से भी जाना जाता है। सो आइए पहले इनके फार्मूले सीखते हैं और फिर इन फार्मूलों के ऊपर एप्लीकेशन। सो लेंथ एल इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर डी एक्स आर सी टू डी वन प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वेयर डी वाई। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे दो फार्मूले हैं, तो हमने कौन सा फार्मूला किस जगह पे अप्लाई करना है ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताएगी। अगर फंक्शन जो है वाई एक्सप्रेस हो एज एक्स सो डी वाई बाई डी एक्स, अगर फंक्शन जो है एक्स एक्सप्रेस हो एज अ फंक्शन ऑफ वाई डी एक्स बाई डी वाई, और आपके पास मेन फंक्शन एक्स में गिवन होगा तो डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा, और फंक्शन वाई में गिवन होगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। लिमिट्स वो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दे देगा। तो हम एक ही क्वेश्चन के ऊपर ये दोनों फार्मूले जो हैं अप्लाई करके देखते हैं, और देखते हैं दोनों फार्मूलों की एप्लीकेशन से जो रिजल्ट्स आता है वो एक जैसा आता है या डिफरेंस आता है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कर्व वाई इक्वल टू एक्स थ्री बाई टू फ्राम वन वन टू 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 स्क्वेयर रूट। दो उसने पॉइंट्स दे दिए, एक वन वन एक टू 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 स्क्वेयर रूट। सो हमने ग्राफ बनाया यहाँ पे, जो टू स्क्वेयर रूट का जो ग्राफ होता है वो डियर स्टूडेंट्स इस तरह जो है वो ग्राफ बनता है। उसकी प्रेजेंटेशन ग्राफ की ऐसे होती है जैसे मैंने बनाई हुई है। सो आपके पास जब एक्स वन है वाई भी वन होगा, जब एक्स टू है वाई भी आपके पास क्या है टू टू स्क्वेयर रूट है। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आ जाएंगे, ये दो पॉइंट्स आ गए। फंक्शन आपके पास एक्स थ्री बाई टू है, तो हम फार्मूला पुट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स है तो हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एक्स थ्री बाई टू है, इसका डेरिवेटिव ले ले आप डी वाई बाई डी एक्स थ्री बाई टू एक्स वन बाई टू। सो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर रूट ओवर टू आ जाएगा। अब लिमिट्स की बारी आ गई। सो क्योंकि फंक्शन जो है वो वाई एक्सप्रेस्ड एज अ एक्स है, तो हमारे पास कर्व एक्सटेंड एक्स की तरफ जा रही है। सो एक्स भी आपके पास वन है, यहाँ पे एक्स वाले जो दो आपको पॉइंट्स गिवन है वन वन टू इंटू टू स्क्वेयर रूट, ये आपने एक्स वाले दोनों पॉइंट्स उठा लेने हैं एज अ लिमिट। सो कर्व एक्सटेंड्स एक्स वन टू एक्स टू। ये डियर स्टूडेंट्स उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि लिमिट्स मैंने जो है वो वन और टू कैसे उठाई है, क्योंकि फंक्शन वाई एक्सप्रेस्ड एज अ एक्स है तो हमने एक्स वाले जो पॉइंट्स है वो उठा लेने हैं एज अ लिमिट। सो एक्स वन टू टू आ गया। अप्लाई फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल वन टू टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, आपके पास थ्री एक्स स्क्वेयर रूट बाई टू, थ्री एक्स स्क्वेयर रूट बाई टू का होल स्क्वेयर डी एक्स। हमने इसको खोला तो ये आ गया नाइन एक्स ओवर फोर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम यू सब्सटीट्यूशन कर लेते होते हैं, इससे आपकी इंटीग्रेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। सो मेक यू सब्सटीट्यूशन, मेक यू सब्सटीट्यूशन, u इक्वल टू वन प्लस नाइन एक्स बाई यू। जब आप x की जगह पे वन पुट करते हैं u क्या आ जाएगा, नाइन आ जाएगा। फोर प्लस नाइन थर्टीन बाई फोर। जब x की जगह पे टू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, एटीन आ जाएगा। फोर और एटीन ट्वेंटी टू बाई फोर। सो डेरिवेटिव लेते हैं du, सो नाइन बाई फोर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, dx आ जाएगा। सब्सिट्यूशन की रिक्वायरमेंट्स डे स्टूडेंट्स पूरी हो गई हैं। इंटीग्रल वन टू टू वन प्लस नाइन एक्स बाई फोर डी एक्स। सो हमारे पास क्या जी, इंटीग्रल जब वन था सो हमारे पास थर्टीन बाई फोर और देन ट्वेंटी टू बाई फोर यू रेज पर वन बाई टू, और हमने जो निकाला है वो डी एक्स नाइन बाई फोर निकाला है। हमने डी यू करना है तो हमें डी एक्स चाहिए, हम दोनों तरफ फोर बाई नाइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा फोर बाई नाइन डी यू इक्वल टू डी एक्स। फोर बाई नाइन डी यू आपके पास किसके इक्वल आ गया, डी एक्स के, उसकी जगह पे हमने रिप्लेसमेंट कर दी। अगेन फोर बाई नाइन इंटीग्रल थर्टीन बाई फोर टू ट्वेंटी टू बाई फोर यू वन बाई टू डी यू, हमने सिंपल इंटीग्रेशन कर ली, यू वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू और टू बाई थ्री आ जाएगा। ये बाहर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एट बाई ट्वेंटी सेवन, और यू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। सो ट्वेंटी टू बाई फोर रेज पावर थ्री बाई टू माइनस थर्टीन बाई फोर रेज पावर थ्री बाई टू। सो ये एट बाई ट्वेंटी सेवन, इनको लिखा जा सकता है ट्वेंटी टू और फोर, ट्वेंटी टू बाई फोर स्क्वेयर रूट, और थर्टीन बाई फोर थर्टीन बाई फोर स्क्वेयर रूट। यहाँ से फोर का ऊपर स्क्वेयर रूट है टू आ जाएगा,
तो आपके पास 22/4 डॉट 22 स्क्वेयर रूट ओवर 2 आ जाएगा, माइनस 13/4 13 स्क्वेयर रूट ओवर 2 आ जाएगा। सो 4 और 2 8, 4 और 2 8, 8 से ये 8 डेयर स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो रिजल्ट आपके पास आएगा 22 स्क्वेयर रूट माइनस 13 स्क्वेयर रूट ओवर 27, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया जब आपको फंक्शन जो है y एज एक्सप्रेस एज अ x गिवन होगा। सो आपने इस फंक्शन को याद करना है। अब हम फंक्शन की जो है वो नोटेशन को चेंज करते हैं। वी री राइट इक्वेशन y इक्वल टू x 3/2 सो दैट x इज एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ y, x इज एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ y। वहां पे क्या था, y इज एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ x, मीन सिंपल वो फंक्शन y में गिवन था, ये फंक्शन हमने x में कन्वर्ट कर लिया। सो x इज एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ y, सो y इक्वल टू x 3/2, अगर मुझे x चाहिए तो मैं दोनों तरफ 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो x इक्वल टू y 2/3 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। कर्व एक्सटेंड्स, अब आपके पास कर्व जो है वो पहले किस में एक्सटेंड हो रही थी, x एक्सिस में, अब वहां पर किस में एक्सटेंड हो रही है, y एक्सिस में। तो हमने y वाले पॉइंट्स एज अ लिमिट उठा लेने हैं, एक 1 एक 2 इंटू 2 अंडर रूट। सो वो पॉइंट्स उठा लिए एज अ लिमिट, डेरिवेटिव लिया dx/dy 2/3 y^-1/3, 2/3 y^-1/3 आपके पास हो जाएगा। अप्लाई द फार्मूला, लेंथ इक्वल है इंटीग्रल 1 to 2 square root 1 plus dx/dy 2 into 3 y^-1/2 का स्क्वेयर। सो ये इक्वल हो जाएगा 1 to 2 into 2 square root 1 plus 4/9 y^2/3 dy, 9 y^2/3 आप एज अ एलसीएम ले लो। सो 9 y^2/3 इसके नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर रिजल्ट बनेगा नॉमिनेटर में 9 y^2/3 plus 4, क्योंकि 9 y^2/3 के ऊपर क्या स्क्वेयर रूट है, तो 9 का स्क्वेयर रूट 3 आएगा और y^2/3 है उसका स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आपका बाकी रह जाएगा, वो रेडिकल साइन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल 1 to 2 square root 1/3 y^1/3, इंटीग्रल 9 y^2/3 plus 4 और आपके पास y आ जाएगा। 1/3 को कांस्टेंट में बाहर कर लिया, इंटीग्रल 1 to 2 square root y^-1/3 आ जाएगा और 9 y^2/2 plus 4 dy आ जाएगा। यहाँ पे अगेन हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए u सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, मेक u सब्सटीट्यूशन। सो u इक्वल टू 9 y^2/3 plus 4, x को जब 1 पुट किया u आपके पास क्या आ जाएगा 13, और जब x को आप 2 to 2 square root पुट करोगे, डियर स्टूडेंट्स इसको ज़रा गौर से देखना, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ट्रिकी है। सो x इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, बेस एक जैसी हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो x 3/2 आ गई। सो आपके पास x 2/3 को हम u में पुट कर लेते हैं, u 9 मल्टीप्लाई x की जगह पे, सॉरी आपके पास क्या आ गया, x की जगह पे सब्सटीट्यूशन आ गई 2 3/2 मल्टीप्लाई 2/3 plus 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 2 बचेगा। सो 9 मल्टीप्लाई 2 18 प्लस 4 22, आपके पास क्या आ जाएगी, अपर लिमिट आ जाएगी u सब्सटीट्यूशन के जरिए। फिर डेरिवेटिव चाहिए du, तो 9 बाहर आ जाएगा 2/3 y - 1/3 dy, तो 18 ये कैंसिल हो गया, ये 6 y - 1/3 dy आ जाएगा। सो अगर हमें हमारे पास जो है, अगर हम देखते हैं उसको फंक्शन को जो हमें गिवन है, y - 1/3 तो हमारे पास है, y - 1/3 भी है, dy भी है, क्या चीज़ नहीं है, 6 नहीं है, तो हम 6 को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स, ताकि फंक्शन का इंटीग्रेट करना आसान हो जाए। सो आपके पास मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 1/18 इंटीग्रल 1 to 2 square root 9 y^2/3 plus 4, और dy की जगह पे क्या आ जाएगा, y - 1/3 dy और 6 आ जाएगा। हमने 6 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब हम सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, 1/18 इंटीग्रल 13 to 22 u - u^1/2 du। सो 1/18 आपके पास क्या आ जाएगा, पीछे फंक्शन आगे डेरिवेटिव फंक्शन की पावर इंक्रीज हो जाएगी, 1/18 2/3 u 3/2 और 22/13 एज अ लिमिट आ गई। सो 2/3 को बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/18 multiply 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 22 3/2 - 13 3/2 आपके पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 9 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। सो इसको लिखा जा सकता है 22 3/2 को 22 into 22 square root और 13 into 13 square root डिवाइडेड बाई 27। सो आप ये वाला देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब फंक्शन जो है आपको y में गिवन था, जब फंक्शन आपको x में गिवन है, तो दोनों का आर्क लेंथ सेम निकला, क्योंकि फंक्शन k
की जो है वो एक्सप्रेशन से आपके फार्मूले की नेचर चेंज हो रही है, लिहाजा आपके आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी इधर स्टूडेंट्स आपको आर्क लेंथ निकालने का तरीका आपने सीख लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स, आप कमेंट में लिख के मुझसे उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।